हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बजट। बेसिकली ये जो बजट है, टॉपिक का जो नेम आपको मिलेगा वो बजटरी कंट्रोल के नाम से मिलेगा, बजटरी कंट्रोल। और इसमें जो यूज होंगे टर्म वो तीन है, बजट, क्या ठीक मान, बजट, बजटिंग और बजटिंग कंट्रोल। बजट क्या है? बजट क्या है? बजट है किसी भी चीज का, देखिए, प्लानिंग, क्वांटिटेटिव प्लानिंग, क्वांटिटेटिव प्लानिंग कि भाई इन फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम में हमारे लिए क्या क्या अवेलेबल होगा, हम उसको किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। यानी कि ये हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को समझाता है प्लान वे में। जबकि बजटिंग, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, बजटिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इस बजट को प्रिपेयर करेंगे। यानी बजटिंग, बजटिंग क्या है, बजट को प्रिपेयर करने की टेक्निक, बजट को प्रिपेयर करने का प्रोसेस। और तीसरा है कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल। मैंने कहा टॉपिक का नाम भी बजटरी कंट्रोल ही होगा, क्योंकि बजटरी कंट्रोल, अब बजटरी कंट्रोल का मतलब, कंट्रोल वर्ड का देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, जो कंट्रोल वर्ड है, नियंत्रण वर्ड है, ये अपने आप में ही स्पेसिफिक है। जब आप बजट में प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब है कि जो आपने प्लानिंग की है उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मैच करना, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए नेक्स्ट ईयर के बजट में तैयार करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाना, जो मैनेजर्स हैं, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंशन करना, बताना कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि बजटरी कंट्रोल एक तरह से इम्ब्रेंस है कि सभी को, जितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। भाई एक बजट हमने तैयार किया, एक बजट हुआ, बजट को तैयार किया, हमने कहा बजटिंग, फिर हमने कहा बजटरी कंट्रोल, उस सिस्टम में उसकी कमियों को, उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को, बजट के बनाने की समस्याओं को, उन सभी को, यानी पूरे सिस्टम के आस्पेक्ट को एनालाइज करना, वो हमारा कंट्रोलिंग का पार्ट है। तो बजट कुछ नहीं है, बजट को अगर हम थोड़ा सा जनरली सिस्टम में समझें तो बजट इज जस्ट द प्लानिंग। और जब आप उसको क्वांटिटेटिव वे में कहते हैं तो बजट है भाई, क्वांटिटी में आ जाता है तो वो बजट बन जाता है, ठीक है ना। और वर्ड्स में हम कवर करते हैं तो वो हमारे पास प्लानिंग है। प्लानिंग क्या है भाई? प्लान करना, यानी प्लानिंग यानी नियोजन, यानी कि फ्यूचर के बारे में सोचना। You have to make the plan for the future. जब आप फ्यूचर के लिए कोई चीज तैयार कर रहे हैं तो वो प्लानिंग है, और उस प्लानिंग को क्वांटिटेटिव वे में तैयार कर लें तो बजट है। तो बजट इज द प्लानिंग। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि बजट एक क्वांटिटेटिव फॉर्म में है। तो इस बजट को अब हम समझेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बजट का कितना बड़ा रोल होता है। बजट के थ्रू ही हम सभी के पूरे सिस्टम को समझ पाते हैं आने वाले सिस्टम में, कि हमें कितना गुड्स बनाना है, उस बनाने के लिए हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी डिमांड है, कितनी पैसे की आवश्यकता होगी। तो सभी अपने अपने लिए तैयारी करेंगे, क्योंकि उसी प्लानिंग के बेस पर हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को लेकर आएंगे, क्योंकि प्लानिंग के थ्रू ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे कि हमने, हमारा टारगेट क्या है, तो वो टारगेट प्लान बेस्ड है। तो पहले प्लानिंग और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम बजट प्रिपेयर करें। अब ये बजट कोई छोटा मोटा चैप्टर तो है नहीं, कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर बजट बनाना है, तब तो ठीक है एक पर्टिकुलर बजट, लेकिन बजट तो बहुत बड़ा है, बजट का कंसेप्ट बहुत बड़ा है। एक ऑर्गेनाइजेशन है तो इसको हमने थोड़ा डिवाइड किया है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं। देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कंपनी का एक मेन चीफ एग्जीक्यूटिव, उसके अंडर काम कर रहे हैं सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, पर्सनल मैनेजर और चीफ अकाउंटेंट CFO, ठीक है ना। तो ये हमारे पास लोग काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर आप समझिए कि हर डिपार्टमेंट अपने लिए बजट प्रिपरेशन करेगा। जैसे कि अगर हम कहें कि सेल्स मैनेजर का काम है कि अपने डिपार्टमेंट के लिए अपने से रिलेटेड बजट्स को तैयार करें, तो सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? सेल्स बजट तैयार करना। सेल्स बजट के साथ साथ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग किसका प्रोजेक्ट है?
ये भी हमारा सेल्स डिपार्टमेंट का है, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट को ही पता है कि हमें कौन से एरिए में किस तरीके का एडवर्टीजमेंट करना है, कौन सा एडवर्टीजमेंट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, कहाँ करें कहाँ ना करें, किस तरीके से करें, कौन सा कंसेप्ट हमारे लिए बेस्ट होगा, उसका बजट क्या होगा, हमें कितना बजट उस पर करना है। तो सब कौन बना रहा है प्लानिंग? सेल्स मैनेजर। यानी कि उसको तैयार करना है सेल्स बजट, उसको तैयार करना है एडवर्टाइजिंग बजट, उसको तैयार करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट। देखिए बेसिकली सभी टर्म्स आपकी पड़ी हुई हैं, मैं इसमें ज्यादा एनालिसिस नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादा एनालिसिस लेने का मतलब है कि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, और ये हमारे लिए न्यूमेरिकल पोर्शन है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में आएंगे और हम सभी का न्यूमेरिकल समझाएंगे, सो दैट कि आपको टॉपिक समझ में आए, पूरे बजट प्रोसीजर को आप एज ए मैनेजर यूज कर सकें। यदि आप सेल्स मैनेजर हैं तो आपको मैं सेल्स बजट, एडवर्टीजमेंट बजट, सेलिंग बजट बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, बनाना सिखाऊंगा, आपको सीखना है। प्रोडक्शन मैनेजर हैं तो आपको ये बजट सीखने हैं कि भाई अगर आप प्रोडक्शन मैनेजर हैं तो यू हैव टू प्रिपेयर मटेरियल बजट, यानी कि कितना मटेरियल आपको चाहिए। प्रोडक्शन बजट यानी कि कितना गुड्स में प्रिपेयर करूं, कितना गुड्स मुझे अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हम कोई भी बजट बना रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी जो जरूरत है, नीड है, वो कोऑर्डिनेशन की है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोडक्शन मैनेजर का बजट अपना सेल्फ होगा। यदि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेटेड नहीं होगा तो ये सारे बजट फेल हो जाएंगे और कोई भी बजट प्रिपेयर हो ही नहीं पाएगा बढ़िया, और एक्चुअल परफॉर्मेंस से बहुत दूर हो जाएगा। मटेरियल बजट, कितना मटेरियल चाहिए। प्रोडक्शन बजट, कितनी यूनिट्स, कितना वॉल्यूम हमें गुड्स का तैयार करना है। और प्लांट यूटिलाइजेशन बजट यानी कि प्लांट का कितने परसेंट तक, किस लेवल तक हमें यूटिलाइज करना है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर जो अपना बजट बनाएगा वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन मैनेजर पर बेस्ड है। प्रोडक्शन मैनेजर को कितना उसने प्लानिंग की है कि उसको कितना मटेरियल चाहिए, उसके हिसाब से ही परचेज मैनेजर बजट बनाएगा कि कितना हमारे पास पहले से गुड्स है, कितना गुड्स हमें लास्ट में क्लोजिंग में हमारे पास होना चाहिए, कितना गुड्स रिक्वायरमेंट हमारे प्रोडक्शन मैनेजर को है। तो उसके हिसाब से वो प्लानिंग यानी बजट तैयार करेगा कि कितनी क्वांटिटी में आपको गुड्स परचेज करनी है, तो यानी परचेज बजट। तो अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे कि प्रोडक्शन जो मैनेजर था वो कहीं ना कहीं बेस रहा सेल्स मैनेजर पर, कि भाई जितनी हमारे पास सेल्स होगी, सेल्स के अकॉर्डिंग ही हमारे पास एडवर्टीजमेंट, सेलिंग बजट, इनके बेस पर हमारा सेल्स बजट तैयार होगा कि भाई कितना अच्छा आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट रिलेटेड होता है एडवर्टीजमेंट और सेल। तो यदि आप अच्छा एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उसका इफेक्ट सीधा सेल्स पर जाएगा। तो हमारा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बजट, एडवर्टीजिंग बजट सेल्स को बिलोंग करता है, और सेल्स से हमारा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से हमारा मटेरियल, मटेरियल से हमारा परचेज, और परचेज जब आप तैयार कर लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लेबर बजट। लेबर बजट परचेज बेस्ड नहीं है, लेबर बजट प्रोडक्शन बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? प्रोडक्शन। भाई आपको कितनी यूनिट्स, कितना प्रोडक्शन करना है, उसी के हिसाब से आपको लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। अब दो तरह की लेबर होती है, अब ध्यान से देखना, एक तो होती है हमारे पास डायरेक्ट लेबर, हाँ, और एक होती है इनडायरेक्ट लेबर। अब अगर आपने कॉस्ट शीट पढ़ी है, कॉस्टिंग टेक्निक्स पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि जो डायरेक्ट लेबर है वो तो लेबर है, लेकिन जो इनडायरेक्ट लेबर है वो तो प्रोडक्शन ओवरहेड है, प्रोडक्शन ओवरहेड है, तो वो तो ओवरहेड बजट बनेगा, वो हमारा लेबर बजट नहीं बनेगा। तो ये जो हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट बनाएगा ये डायरेक्ट लेबर बजट बनाएगा, डायरेक्ट लेबर बजट। और इन सभी बजट को हम अलग अलग क्लासिफाई, अलग अलग तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज में इसको न्यूमेरिकल्स के थ्रू, पूरे एग्जाम्पल्स लूंगा मैं, उसके थ्रू आपको समझाऊंगा, हर एक में क्वेश्चंस लूंगा, सो दैट कि आपको टॉपिक पूरा समझ में आए, प्रैक्टिकली अप्रोच आपको समझ में आए, हम क्यों बना रहे हैं ये भी समझ में आ जाता है। क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल साइंस में आते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे पास क्लियर होने लगती हैं। लेबर बजट, इसके बाद हमारा जो चीफ अकाउंटेंट है वो प्रिपेयर करेगा, क्योंकि उसके पास बहुत कुछ सिस्टमेटिक वे में है, क्योंकि और यही सारा सिस्टम कहीं ना कहीं बिलोंग करता है कैश बजट को। कैश बजट आप बना रहे हैं किस पर बेस्ड है? भाई आप कितना प्रोडक्शन करेंगे, कितना आपका गुड्स सेल होगा, बिना इसके आपका कैश बजट कैसे बन जाएगा? तो फाइनेंशियली पूरे सिस्टम को मेंटेन कर रहा है ये कैश बजट बनाएगा। तो कैश बजट कैसे बनाएंगे, क्या तरीका होगा, बहुत बड़ा कंसेप्ट है,
कैश बजट पर हमारी कई वीडियोस आएंगी, क्योंकि कैश बजट एक न्यूमेरिकल पोर्शन है, एग्जाम्स में भी कैश बजट का बहुत ज्यादा यूज होता रहता है, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना कैश बजट बनाए कैसे आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि कैश बजट तो एक बड़ी प्लानिंग है जो बनानी ही पड़ेगी। तो कैश बजट, इसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट से सेंस है कि हम कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट असेट्स में अपने पैसे को लगाएंगे, कहीं ना कहीं कैश बजट से बिलोंग करेगा, है ना। तो ये जो हमारा CFO है, यानी कि चीफ जो अकाउंटेंट है, इसी पर हमारा बात है, ठीक है ना। तो सी, ये जो हमारे पास चीफ अकाउंटेंट है, इसका काम है कैश बजट तैयार करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट तैयार करना और मास्टर बजट तैयार करना। अब ये मास्टर बजट क्या है, देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, कैश बजट केवल कैश को देखेगा, डिफरेंट डिफरेंट मेथड होंगे भाई, कैश का आना और कैश का जाना, अल्टीमेटली यही है। कैश बजट को बनाने के लिए डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, लेकिन कैश बजट का कंसेप्ट क्या है, कितना पैसा आया और कितना पैसा चला गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, भाई कितना हम असेट्स खरीदेंगे, कितनी असेट्स हमारे पास बेकार हो चुकी है, उन्हें हटाएंगे, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट हमारा तैयार हो जाएगा। जबकि मास्टर बजट क्या है, मास्टर बजट सारे बजट का हेड है, मास्टर बजट सारे बजट का हेड है, और ये सारे बजट्स को अपने आप में समाये हुए है, एक तरह से इन सारे बजटों को इंटीग्रेट कर रहा है, यानी सभी चीजों को इंक्लूड करते हुए इस सारे प्रॉफिट लॉस पूरे सिस्टम को मास्टर बजट एक्सप्लेन करेगा। तो हमारे पास देखिए, तो नियर अबाउट चीफ अकाउंटेंट ने क्या बनाया, कैश बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट और मास्टर बजट। पर्सनल मैनेजर बनाएगा अपना लेबर बजट, कि कितनी लेबर उसे चाहिए, किस तरीके से। परचेज मैनेजर को केवल परचेज का काम देखना है, भाई परचेज तो बड़ा काम होता है, यानी कि इसको एक बजट बनाना है तो इसका काम छोटा हो गया। परचेज मैनेजर को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही रेट पर, सही सिस्टम पर, सही प्लानिंग से, कि किस तरीके से कहां पर अच्छी क्रेडिट मिल जाए, कहां सस्ता गुड्स मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए, तो ये सब चीजों को देखते हुए परचेज मैनेजर का काम है। तो परचेज बजट इसे बनाना होता है। प्रोडक्शन मैनेजर के पास मटेरियल बजट, प्रोडक्शन बजट और प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, और सेल्स मैनेजर के पास ये बजट। ये तो हो गया बजट का सिस्टम, मैंने आपको बता दिया हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक हम क्लासिफिकेशन एक तरीके से और करते हैं, एक टाइम के अकॉर्डिंग, एक फंक्शन के अकॉर्डिंग और एक फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। बजट यहां सारे तैयार कर रहे हैं हम, ये तो आपको दूसरे नेम दिखाई दे रहे हैं, हम अलग तरीके से देखिए, अकॉर्डिंग टू टाइम, कुछ बजट हमें टाइम के अकॉर्डिंग बनाने हैं। अब ये नहीं कि ये बजट अलग है, ये बजट अलग है, कहीं ना कहीं बिलोंग है भाई। टाइम के अकॉर्डिंग जो बजट हम लॉन्ग टाइम के लिए बना रहे हैं, 5 to 10 years के लिए बना रहे हैं, जैसे आपने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। अभी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट है, ये क्या बजट है भाई, लॉन्ग टाइम बजट है। फिर आप देख रहे हैं शॉर्ट टाइम बजट, जो 1 to 2 years के लिए है। 1 to 2 years के लिए जो बजट होते हैं, वो नियर अबाउट जनरली सभी बजट से हमारे पास, कि भाई हमारे पास एडवर्टीजमेंट बजट होगा तो 1 to 2 years तक की प्लानिंग लेंगे हम। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट है, 1 to 2 years तक की प्लानिंग होगी। प्लांट यूटिलाइजेशन बजट है, 1 to 2 years तक की प्लानिंग होगी। और ये जो करंट बजट है, जैसे हम मंथली वीकली भी बना सकते हैं, वीकली भी बनता था है, वीकली मंथली क्वार्टरली, और ये जो हमारा बजट है जैसे कि कैश बजट, बिल्कुल करंट रिक्वायरमेंट। तो कैश बजट हमारी करंट रिक्वायरमेंट है, सेल्स बजट हमारी करंट रिक्वायरमेंट है, इसी तरह से मटेरियल बजट हमारी करंट रिक्वायरमेंट है, परचेज बजट हमारी करंट रिक्वायरमेंट है, ये बिल्कुल करंट रिक्वायरमेंट का पार्ट है। तो इस तरीके से भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एक फंक्शन के बेस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि क्या क्या काम ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। अब इसमें भी सारे जुड़ गए एक साथ ही भाई, चाहे वो सेल्स है, वो भी हमारा फंक्शन है, प्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरहेड बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। अब ये थोड़ी है कि आप केवल जैसा काम कर रहे हैं करते, रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को सोचना पड़ेगा, नए आइडियाज़ लगाने पड़ेंगे। जब तक हमारे पास एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग नहीं होगी, तो किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा मुश्किल काम है। आज जैसे हम टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में रह रहे हैं, और वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हम इग्नोर कर दें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है बेटा। बड़ी बड़ी कंपनियां केवल इसी चीज पर फोकस ना करके फ्लॉप हो गई, खत्म हो गई। जिस कंपनी को दुनिया मानती थी कि ये तो तोप है इंडिया में, अब नोकिया कैसी बड़ी कंपनी थी, इतनी बड़ी कंपनी थी कि नोकिया ने पूरे के पूरे इंडिया की मार्केट पर कब्जा कर रखा था, लेकिन कहां अटक गए, एक माइनर से सिस्टम पर, कि टेक्नोलॉजी में कहीं चूक गए, और टेक्नोलॉजी के एक कंसेप्ट में चूकने का इतना परिणाम उनके लिए हुआ, इतना प्रभाव उनके लिए हुआ, कि नोकिया मार्केट से एकदम गायब हो गई। इतना बड़ा लॉस होता है, तो ये मत सोचिए कि कोई थोड़ा लॉस हो गया तो झिल के, नहीं बेटा, ये एक ऐसा सिस्टम है, जब लॉस होता है तो सारा सिस्टम बेकार हो जाता है हमारा।
हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ने लगती है, मार्केट में सेल नहीं होती, हमारे को गुड्स जो है सस्ते नहीं मिलते, क्योंकि बल्क में खरीदोगे सस्ते मिलेंगे ना, ज्यादा माल बिकेगा तभी तो हमारे लिए सब चीज सस्ती होगी, वरना सब चीजें महंगी होने लगेंगी, सबका बर्डन हमारे पर पड़ने लगेगा। तो ये मत सोचिए कि हमारे लिए कि एक कस्टमर छूट गया तो कोई बात नहीं, नहीं नहीं, हर कस्टमर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जब हम ये देखकर सोचेंगे कि हर कस्टमर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमारे कस्टमर के लिए अच्छे गुड्स सब चीजें तैयार करेंगे। तो यहां पर आपको देखना है कि किस तरह के गुड्स लोगों को चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट आ रही है इस गुड्स में, और क्या चेंजेस आ सकते हैं इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में, किस तरह के गुड्स कस्टमर्स को पसंद हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सकती है, तो इन सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट में हम तैयार करते हैं। कैश बजट, मास्टर बजट, ये मैं आपको यही समझाई चुका हूं। तो बजट को हमारे पास अलग अलग मैनेजर कौन कौन से बजट बनाएंगे, टाइम के अकॉर्डिंग कौन कौन से बजट बनते हैं, फंक्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन से बजट बनते हैं, एक होती है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक फ्लेक्सिबिलिटी यानी बदलाव, चेंज होते हुआ। तो इसमें होता है एक हमारे पास फिक्स बजट, एक होता है फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट यानी कि प्लांट यूटिलाइजेशन में हमने एक बजट बनाया कि हम 70% पर अपना काम करेंगे, तो 70% पर हमने एक फिक्स बजट बना दिया। एक होता है फ्लेक्सिबल, वहां पर हम डिफरेंट ऑप्शंस, भाई 50 भी देखेंगे, 60 भी देखेंगे, 70 भी देखेंगे, 80 भी देखेंगे, 100 भी देखेंगे, सभी डिफरेंट फ्लेक्सिबिलिटी पर अपने प्रोडक्शन को देखेंगे। अब उस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग सेल्स को देखेंगे। अब ये भी आप समझिए कि यदि आप फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं और डिफरेंट लेवल का बजट बना रहे हैं, तो ज़्यादा कैपेसिटी का बजट बनाने से हमारी सेलिंग प्राइस रिड्यूस होंगे। तो हम ये भी चेक करेंगे, हमारा सेल्स डिपार्टमेंट हमें बताएगा कि अगर प्राइसेस को, मतलब गुड्स को ज़्यादा सेल करना है तो कितने प्राइस आपको रिड्यूस करने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे कि कौन सी कैपेसिटी पर काम करना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन ये नॉलेज अगर स्टूडेंट्स को नहीं है तो बेसिकली बहुत अच्छा हम इसको ना लिख सकते हैं और ना ही इसके अच्छे न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप टॉपिक ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो। और तो जब आप मैनेजर हो, एक बड़ी पोस्ट पर हो, तो ये सारे काम आपको देखने होते हैं। ये नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हैं तो बाकी का काम आपका नहीं है। ठीक है, वो काम आपका है, लेकिन दूसरों को सलाह देना, दूसरों के साथ कोऑर्डिनेटेड करने के लिए आपको उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आपको दूसरे की नॉलेज नहीं होगी, आप उसको अपने साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे आप जो कर रहे हैं वही सबसे टिपिकल काम है, दूसरे के पास भी टिपिकल काम है, और जब तक आप अपनी इंफॉर्मेशन और उसकी इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, एक बजट तैयार नहीं होगा। एक कोऑर्डिनेशन के बिना कोई काम ही नहीं होता है। तो अब हम इसी चीज के लिए फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट, ये हमारा बजट का कंसेप्ट है। इसके अलावा आज के सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूं। एक तो हो गया मेरे पास कन्वेंशनल और इंक्रीमेंटल बजट। कन्वेंशनल जो हम बजट बना रहे हैं, ये सब कन्वेंशनल बजट है, इंक्रीमेंटल बजट जैसे फ्लेक्सिबल बजट। लेकिन कुछ मॉडर्न टेक्निक्स हमारे पास आ रही हैं, जैसे कि जीरो बेस बजटिंग और परफॉर्मेंस बजटिंग। अब आपको बता दूं कि कोई भी बजट कैसे बनता है। ऐसे नहीं होता कि कोई भी बजट अगर बना रहे हैं तो बिल्कुल फ्रेश, नहीं नहीं नहीं, वो कहीं ना कहीं हमारे पुराने बजट, पुराने जो बजट हमने प्रिपेयर कर रखे हैं, जो हर साल हम बजट बनाते हैं, उस बजट के बेस पर हमारा नेक्स्ट बजट तैयार होता है। एक बजट को जो हम तैयार करते हैं, आज इस साल जो हमने बजट बनाया, नेक्स्ट ईयर का बजट पिछले साल का बजट, पिछले साल की एक्चुअल परफॉर्मेंस, उनकी बजटिंग कंट्रोल के बाद फिर एक नया बजट तैयार होता है। जबकि जीरो बेस बजटिंग में हम क्या करते हैं, जो बेस वो जीरो है। अब तक हम बेस ले रहे थे ना कि प्रीवियस ईयर का बजट, प्रीवियस ईयर की एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर हम उसको मैच करते हुए आगे के लिए बजट तैयार करा। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं जीरो बेस बजटिंग, यानी कि यहां बेस जीरो है, यहां पर आपका जो पुराना डेटा है वो आप यूज नहीं करेंगे, बल्कि जीरो से लेकर बजट की स्टार्टिंग आप जीरो से मेरा कहने का पर्पज है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, यानी कि जो पुराना डेटा है उसको बिना यूज किए बिल्कुल सेपरेट एनालिसिस करने के बाद, एक्सपर्ट की राय एनालिसिस के बेस पर हम बजट तैयार करते हैं। तो यह है हमारा जीरो बेस बजटिंग, बेसिकली अमेरिका टेक, यूएसए ने बनाया हुआ है इसको, 1969 में बनाया था पीटर फेयर ने। तो पीटर फेयर ने 1969 में ये बजट को बनाया था जीरो बेस बजटिंग, और बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी हुआ। इसके बाद हमारे पास है परफॉर्मेंस बजटिंग। ये परफॉर्मेंस बजटिंग बेसिकली बहुत बड़े प्रोजेक्ट में बनता है, जहां हमें एफिशिएंसी की जरूरत होती है। जैसे कि आर्मी के लिए आपको बड़े बड़े से कंसेप्ट बनाने हैं, एरोप्लेन बनाने हैं, आर्मी के लिए रोड्स बनानी है, आर्मी के लिए
पुल, डैम पुल बनाने, तो इन सब चीज़ों के लिए, आर्मी की परफॉर्मेंस के लिए, तो हम तैयार करते हैं परफॉर्मेंस बजटिंग। ये भी यूएसए का ही है, इस ये भी यूएसए का ही है, और जो हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद इस तरह के बजट्स को अमेरिका में तैयार किया गया कि भाई किस तरीके से हम अपनी एफिशिएंसी को बना बढ़ा सकते हैं। तो 1949 का बजट है, ये तो 1969 का बजट था, ये 1949 का बजट है, और इसको लिखने वाले थे हॉवर, यानी सबसे पहले इसको हॉवर कमीशन एक बनाया था, एक तो टीम का लीड करते हैं, बाकी एक हॉवर कमीशन ने इसको 1949 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद, किस परफॉर्मेंस को हम समझ सकें, एफिशिएंसी को हम डेवलप कर सकें, परफॉर्मेंस बजट्स बनाए थे। बेसिकली इनके न्यूमेरिकल्स हमारे पास नहीं है, न्यूमेरिकल पोर्शन में जो जनरली यूज होंगे, जनरली वो यूज होंगे सेल्स बजट, बना तो आप सबके बजट सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होंगे मटेरियल प्रोडक्शन परचेज लेबर, इसमें नॉर्मली कैश बजट कंपलसरी आपको बनाना ही है, ये जो बजट्स हैं ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, कैश बजट बनाए बिना आपका काम नहीं चलेगा, फ्लेक्सिबल बजट बनाए बिना आपका काम बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स बिल्कुल जरूरी हैं, परचेज बजट मटेरियल बजट प्रोडक्शन बजट सेल्स बजट, ये सब बिल्कुल मतलब खास बजट्स हैं जो आपको बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। और भी बजट बनाना सीख सकते हैं, हमारा कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, जो टेक्निकली बजट्स हैं जो नॉर्मली एग्जाम्स में आते हैं पूछे जाते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी होते हैं, तो उन बजट्स को हम देखेंगे, बाकी सब पर भी हम थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे। और आज जो टॉपिक था वो समझाने का कि बजट को समझाना कि बजट क्या है, तो बजट समझ में आ गया, बजट है प्लानिंग, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं इन ए क्वांटिटेटिव मैनर, क्वांटिटेटिव मैनर में, और बजटिंग में मैंने आपको बताया बजट तो क्लियर है, बजटिंग इसका प्रोसेस है कि वो कैसे तैयार किया जाएगा, और कंट्रोलिंग में इस पूरे सिस्टम में एक्चुअल बजटेड परफॉर्मेंस को मैच करना, उनको तैयार करने के प्रोसेस को एनालिसिस करना, उसके बाद उनके डेविएशंस को ध्यान देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को तैयार करना, कॉस्ट सेंटर को तैयार करना, सो दैट कि कौन उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन से डिपार्टमेंट के कौन सी सिस्टम में ये मिस्टेक्स हुई, और किस तरीके से उस परफॉर्मेंस को नेक्स्ट फ्यूचर के लिए सुधारा जा सकता है, नेक्स्ट बजट के लिए उसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, ये हमारा बजटिंग कंट्रोल है। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है, आप थोड़ा सा समझें इस टॉपिक को, और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी जो नई वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।